स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद लेसन नंबर 1.7 परमवीर चक्र आर हीरोज. ओके, यू मे हैव हर्ड अबाउट लेजेंडरी हीरोज ऑफ द पास्ट एंड देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी. आपने बहुत सारे हीरोज के बारे में सुना है जो लेजेंडरी है, मतलब जिन्होंने हमारे कंट्री के लिए किया है बहुत कुछ. ऐसे हीरोज के बारे में आपने पहले ही सुना रहेगा न्यूज़ में, आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर में. बट इवन टूडे मेनी ब्रेव सोल्जर ऑफ आर कंट्री सेक्रीफाइस देयर ओन लाइफ फॉर आर सेफ्टी. हमारे सेफ्टी के लिए बहुत सारे जो सोल्जर जो अभी बॉर्डर पे काम करते हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों ने सेक्रीफाइस किया है उनकी जान देके हमारी सेफ्टी बचाने के लिए. देयर ब्रेव डीड्स आर ऑनर्ड बाय बेस्टोइंग मिलिट्री डेकोरेशन ऑन देम. और उनको ऑनर करने के लिए, उनको एक सम्मान देने के लिए एक बेस्टोइंग मिलिट्री डेकोरेशन किया जाता है. अभी वो बेस्टोइंग मिलिट्री डेकोरेशन क्या है? परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट, इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन. परमवीर चक्र एक ऐसा अवार्ड है जो उन सोल्जर लोग को मिला जाता है जिन्होंने अपनी मतलब अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरों की सेफ्टी के लिए अपनी लाइफ खो दी और सेक्रीफाइस की है, या फिर उन्होंने अपना जान जी जान लगा के हम कंट्री को बचाया है. तो एक ऐसा मिलिट्री डेकोरेशन होता है सम्मान करने के लिए इन सोल्जर लोग का. तो एक परमवीर चक्र उनको अवार्डेड किया जाता है. इट इज़ अवार्डेड फॉर द मोस्ट कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी फॉर सम डेयरिंग और प्री एलिमेंट एमीमेंट act or valor or self-sacrifice in the presence of the enemy, whether on land, sea or in the air. भले वो enemy किधर भी हो, land में हो, sea में हो या air में लड़ाई चल रही हो, जो हमारे soldiers है जो लड़ते हैं enemies के साथ हमें बचाने के लिए, और वो अपनी daring दिखाते हैं, जो वो लगाव दिखाते हैं country को बचाने के लिए, सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं मतलब खुद की जान की परवाह ना करते हुए, भले वो एनिमी किधर भी हो, लैंड में हो, एयर में हो या सी में हो, पानी में चल रहा है लड़ाई. तो ऐसे जो सोल्जर जो अपनी खुद की परवाह ना करते हुए कंट्री की परवाह करते हैं, वैसे सोल्जर्स को, वैसे लोगों को परमवीर चक्र अवार्ड किया जाता है. तो परमवीर चक्र इज अ रेयर, वेरी रेयर ऑनर. ये परमवीर चक्र से बहुत रेयर लोगों को मिलता है, हर कोई किसी को नहीं मिलता. सो फार इट हैज़ बीन अवार्डेड ओनली 21 टाइम. अभी तक इंडिया में सिर्फ ये 21 टाइम्स अवार्ड किया गया है सोल्जर्स को. 14 ऑफ दिस अवार्डेड फॉर वेयर गिवेन पोस्टमोस्टली. अभी पोस्टमोस्टली मतलब जो मर जाते हैं, जो कंट्री के लिए लड़ते लड़ते एनिमीज के साथ लड़ते हुए मर जाते हैं और वो उनकी जान चली जाती है, वैसे 14 लोगों को अभी तक परमवीर चक्र अवार्ड मिला. 21 टाइम्स पूरे इंडिया में अभी तक मिला है. उस 21 टाइम में से 14 लोगों को जो मर गए हैं, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है कंट्री के लिए, उनको 14 टाइम मतलब उन 14 लोगों को मिला है. द मेडल इट्सेल्फ इज अ वेरी सिंपल इन अपीयरेंस. जो मेडल आप देख रहे हो बहुत सिंपल है. इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, तांबे का बना है, एंड इट इज़ फिटेड विथ शेवल माउंटेनिंग एंड हैज़ अ प्लेन पर्पल रिबन. इसके ऊपर एक पर्पल रिबन और शेवल माउंटेनिंग टाइप है. ऑन द ऑब्जर्व इट हैज़ द इंडियन नेशनल एम्बल एट द सेंटर. इंडियन नेशनल एम्बल जो हमारे टाइगर्स है ना, थ्री फेस ऑफ टाइगर्स, इंडियन नेशनल एम्बल वो सेंटर में है, सराउंडेड बाई दी फोर रेप्लिकास ऑफ इंद्रवर्जास. अभी फोर रेप्लिकास है, 1, 2, 3, फॉर ऐसा फोर इंद्रवर्जास बनाया है. ऑन द रिजर्व द वर्ड परमवीर चक्र आर एंग्रेव्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश. जो परमवीर चक्र है एंग्रेव्ड है इंग्लिश और हिंदी में, विथ टू लोटस फ्लावर इन बिटवीन, और लोटस फ्लावर है बीच में. द परमवीर चक्र मेडल वॉज डिजाइन बाय सावित्रीबाई खानोलकर. शी वॉज एन यूरोपियन लेडी. एक परमवीर चक्र किसने डिज़ाइन किया, किसने बनाया है? सावित्रीबाई खालोनकर ने, और वो यूरोपियन लेडी है. वो मैरिड विक्रम खालोनकर, उसने शादी किया है विक्रम खालोनकर से, एंड इंडियन आर्मी ऑफिसर. सावित्रीबाई लव इंडिया एंड टूक इंडियन सिटीजनशिप. सावित्रीबाई को
इंडिया की कल्चर सब पसंद थे, इसलिए उन्होंने इंडियन की सिटीजनशिप ले ली। शी स्पोक मराठी संस्कृत हिंदी फ्लुएंटली, मतलब मराठी हिंदी और संस्कृत इतनी अच्छी फ्लुएंटली मतलब एकदम परफेक्ट, एंड हैड स्टडीड इंडियन आर्ट्स एंड ट्रेडिशंस इन देम, उन्होंने पढ़ाई किया है ऑफ इंडियन आर्ट्स, इंडियन आर्ट और ट्रेडिशन के बारे में उन्होंने स्टडी किया है। इंदिरा वर्जा, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये इसके मेडल्स के आजू बाजू वर्जा से इंदिरा वर्जा, अभी इंदिरा वज्र सॉरी इंदिरा वज्र क्या है, इंदिराज वज्र और थंडर गोल्ड इज सपोज टू बी मैचलेस वेपन। इंदिरा वज्र और इंदिरा वज्र बोल सकते हो आप, जो इंदिरा भगवान होता है, और थंडर गोल्ड मतलब जो बिजली कड़कती है, जो लाइटिंग टाइप रहता है ना वैसा, वो इंदिरा वज्र का वेपन था। वो मतलब एक दो अलग वर्ड है, वो दो अलग वर्ड को वो आपको मतलब इमेजिनेशन करके बता रहा है कि जो थंडर जो बिजली कड़कती कैसी है लाइटनिंग टाइप, वैसे टाइप की वो इंदिरा वज्र था। बट वॉट मेक द वेपन इनविंसिबल इज द सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ द सेज दादीची। सेज दादीची अभी इसमें कौन है, सेज दादीची एक संत है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपनी लाइफ, वो सेक्रीफाइस से ये वेपन बना है। अभी हमें देखना है कि ये सेक्रीफाइस के थ्रू वेपन कैसे बना इंदिरा वज्र। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, लेजेंड लोग के हिसाब से पुराने जमाने थाउजेंड्स ईयर अगो पुराने ज़माने में डेनोम हैज स्टोलन ऑल द वाटर इन द वर्ल्ड। डेनोम मतलब जो ईवल होता है, दुश्मन होता है, उसने क्या किया, जितने भी पानी है उनको सब लोग को क्या किया उसने, स्टोलन मतलब ले लिया, जितने भी पूरे वर्ल्ड में पानी उसने ले लिया। इनोसेंट पीपल वर सफरिंग एंड डाइंग विदाउट वाटर, जो हमारे जैसे लोग थे वो मरे जा रहे थे पानी के बिना। दिस डेनोम कुड नॉट बी डिफीटेड बाय एनी ऑर्डिनरी वेपन मेड ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल लाइक वुड मेटल एक्सेट्रा। ये जो ईविल था, दुश्मन था, वो नॉर्मल किसी वेपन से मर ही नहीं पा रहा था, भले वो वेपन वुड या फिर मेटल से बना हो, मर ही नहीं पा रहा था। समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉज रिक्वायर्ड, इससे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एकदम पावरफुल वेपन की बहुत ज़रूरत थी। इट वॉज लर्न दैट द साजे धदाची हैज हैड बोन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। हमने ऐसा उनको लगा कि हमने ऐसा कहीं सुना है कि जो साजे धदाची जो संत है उनके जो बोन्स में है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। बट हाउ कुड वन आस्क फॉर बोन ऑफ अ लिविंग मैन, तो हम कैसे मांग सकते हैं कि आप आपकी बोन दे दो हमें लड़ने के लिए, आपका वेपन बनाने के लिए हम कैसे मांग सकते हैं आपका बोन। लेकिन साजे दादाजी बहुत नोबल मतलब अच्छे पर्सन थे, ही हिमसेल्फ लेड डाउन एंड हिज लाइफ एंड गेव हिज बोन टू हेल्प द पीपल। साजे दादाजी को जब पता चला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने खुद की अपनी जान दे दी और उनको बोला कि तुम लोग मेरा बोन ले लो और उसे वेपन बना। तो उन्होंने इंद्रज वेपन ऑफ थंडर बोल्ट वॉज फैशन्ड फ्रॉम दिस बोन्स एंड द डेनोम वॉज डिफिटेड। फिर वो इंद्र का जो थंडर बोल्ट की जैसे बिजली कड़कती है वैसा उनके साजे दादाजी जो संत है उनके बोन से वैसा बनाया गया वज्र, इंद्र वज्र उसको नाम दिया गया, और फिर उस वेपन से हमने ईवल जो दुश्मन है उसको मार दिया। जस्ट एज द इंद्र वज्र डेराइव पावर फ्रॉम साधे दादाची बोन्स द इंडियन मिलिट्री साधे दादाची बोन्स, जैसे इंद्र वज्र किससे बना है, साधे दादाची जो संत है उनके बोन से बना है, वैसे ही जो इंडियन मिलिट्री है वो ड्राइव इट्स स्ट्रेंथ एंड पावर फ्रॉम द सेक्रीफाइस ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव द परमवीर चक्र होल्डर्स। अभी इसमें बताया है जो इंडियन मिलिट्री, अभी मैंने आपको स्टोरी बताया साधे दादाची जो संत है उन्होंने अपनी लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी और उनके जो बोन से वो दुश्मन मारा गया। तो ऐसे जो मिलिट्री में जो सोल्जर्स होते हैं, ऐसे जो मतलब ऐसे सेक्रीफाइस करते हैं, ऐसा उनके लिए लगाव रहता है कंट्री के लिए, ऐसे लोगों को परमवीर चक्र का
ब्रेवेस्ट अवार्ड मिलता है और वो होल्डर माने जाते हैं परमवीर चक्र के। ओके, इन स्टोरी को वो मतलब डिस्क्राइब करके एकदम गौर से देख के, ऐसे अगर कोई सिचुएशन में अगर ऐसा कुछ होता है, कोई भी सोल्जर होते हैं जो सेक्रीफाइस करते हैं, उनको ये अवार्डेड दिया जाता है। यहाँ पे अभी देखो 21 ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव परमवीर चक्र, जिनको अभी तक परमवीर चक्र दिए गए हैं उनके नाम दिए हैं। सी स्टूडेंट्स, मेजर सोमनाथ शर्मा, लैंस नाइक करम सिंह, सेकेंड लुइंटेंट रामा राघोबा राणे, नाइक जदुनाथ सिंह, कंपनी हाईवेल्डर मेजर पीरू, कैप्टन गुरबच्चन सिंह सालियर, ऐसे कितने नाम हैं। तो आपको ये सब अच्छे से रीड आउट करना है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेलखोन 1807 FP PVC। पीवीसी इज परमवीर चक्र, इनको परमवीर चक्र मिला है। जो निर्मलजीत सिंह सेलखोन, इनको परमवीर चक्र मिला है। स्क्वाड्रन नंबर 18 द फ्लाइंग बुलेटिन। अब ये क्या करते थे, फ्लाइंग बुलेटिन है, बुलेट चलाते थे वे। फ्लाइंग मतलब जो एयरक्राफ्ट में जो होता है ना, वो दैट टाइप। ऑन द 14th ऑफ दिसंबर 1971 श्रीनगर एयर फील्ड वॉज अटैक्टेड बाय अ वेव ऑफ सिक्स एनिमीज। ऑन 14th दिसंबर 1971 में जो श्रीनगर एयरफील्ड था, जहाँ पे बोलते हैं ना, जहाँ पे एरोप्लेन्स रहते हैं, एयरपोर्ट्स टाइप वैसे एयरफील्ड होते हैं, तो वहाँ पे सिक्स एनिमीज ने अटैक किया सबरी एयरक्राफ्ट। Flying officer Nirmaljit Singh Selkon was on readiness duty at that time. और उस टाइम पे कौन ड्यूटी पे था, Nirmaljit Singh Selkon. He could not take off immediately because of clouds of dust raised by another aircraft. दूसरे एयरक्राफ्ट के वजह से क्लाउड एकदम क्लियर्ड नहीं था, तो वो उड़ मतलब वो टेक ऑफ के लिए नहीं जा रहा था, मतलब उड़ने नहीं निकला था। By the time the runway was clear, थोड़े टाइम के बाद रनवे एकदम क्लियर हो गया था और बादल हट गए थे। The enemy aircraft was overhead, और enemy aircraft उनके ऊपर ही थी, उनके ऊपर ही घूम रही थी। They were flying low, firing and attacking the airfield with bombs. वो क्या कर रहे थे, वो अभी यहाँ पे एरोप्लेन है एयरक्राफ्ट, और उसके ऊपर एनिमीज का एयरक्राफ्ट है, ये लोग एकदम नीचे आके यहाँ से फायरिंग कर रहे थे और अटैक कर रहे। कैसे फायरिंग थी, वो बॉम्ब की फायरिंग थी, एयरफील्ड में बॉम्ब डाल देते वो लोग। इवन द फ्लाइंग ऑफिसर टुक ऑफ इन हिज जाइंट, वो लोग ने टेक ऑफ भी नहीं किया था, एयरफील्ड पे ही थे, तभी ये एनिमीज आए सिक्स एनिमीज और वो लोग बॉम्ब डालने लगे एयरफील्ड में आके। Even the flying officer Skelon took off in his giant fighter the moment he could. वो देख रहा है कि वो बॉम्ब फेंक रहे हैं ना, तो ये निर्मलजीत सिंह ने क्या किया, उन्होंने अपने giant fighter, जो उनका bullet fighter है aircraft, उन्होंने वो टेक ऑफ किया, उड़ाया। He began to combat the powerful Shabri jet aircraft of the enemy. He damaged two of them. फिर बाद में उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग गई, देवर फाइटिंग एंड उसमें से निर्मलजीत सिंह ने दो जन को घायल कर दिया। हिज फाइट विद द अटैकिंग एयरक्राफ्ट नाउ कंटिन्यूड एट द ट्री टॉप हाइट। फिर बाद में लोग धीरे धीरे एकदम हाइट पे जाके लड़ने लगे। एट लास्ट द एनिमी एयरक्राफ्ट फेल्ड फ्रॉम द सीन ऑफ द बैटल। जो एनिमी का जो एयरक्राफ्ट था वो ब्लास्ट हो गया और परमवीर चक्र, ये निर्मलजीत सिंह सेलखोन ने जो उस एरिया में अभी अब ऊपर से हाइट पे फायरिंग कर रहे हो, तो वो नीचे भी गिरेगा, जो नीचे जो लोग रह रहे उनको भी नुकसान होएगा। तो ये निर्मलजीत सिंह ने इन्होंने इनको एनिमी को जल्दी हरा के वो जो उस एरिया के जो लोगों थे उनको बचाया। द एयरफील्ड एंड द टाउन ऑफ श्रीनगर वे सेव। अभी जो एयरफील्ड था
और जो उस टाउन में जो रह रहे थे श्रीनगर के, वो सब अभी सेव हो गए। बट अलास फ्लाइंग ऑफिसर सेलकॉन एयरक्राफ्ट 2 क्रैश एंड ही वॉज किल्ड। बट फ्लाइंग जो हमारे फ्लाइंग ऑफिसर थे निर्मल जट सिंह सेलकॉन, ये लड़ाई करते करते इनका भी एयरक्राफ्ट क्या हो गया, क्रैश हो गया, टकरा गया और ये इनकी भी मौत हो गई, ये भी मर गए। फ्लाइंग ऑफिसर सेलकॉन डिस्प्लेड ग्रेट फ्लाइंग स्किल्स एंड डिटर्मिनेशन इन द फेस ऑफ सर्टेन डेथ। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जट को पता था कि मेरी मौत हो सकती है, फिर भी पता हो के भी इन्होंने अपना डिटर्मिनेशन, अपने कंट्री के लिए इतना लगाव, प्यार, अपने स्किल्स यूज किया उन लोगों को, उस एरिया के लोगों को बचाने के लिए और एनिमीज को किल किया। ही शोड अनमैच हीरोइज्म अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। इन्होंने अपनी हीरोइज्म दिखाई, इन्होंने प्रूव किया दैट ही इज़ अ ट्रू हीरो ऑफ अ कंट्री। सैल्यूट टू द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जट सिंह सेलकॉन। तो इनको भी परमवीर चक्र अवार्ड मिल चुका है एंड ही इज नो मोर नाउ। Do read more on the internet at www.paramvirchakra.com। आप इनके साइट पे जाओ, इस पे आपको अभी तक जितने भी परमवीर चक्र अवार्ड मिले हैं इनके बारे में आपको लिस्ट मिल जाएगी। अबाउट द ग्लैंड पीवीसी, पीवीसी इज परमवीर चक्र अवार्डनेस हु लेड डाउन देयर लाइफ इन द सर्विसेज ऑफ द कंट्री। यू विल सी दैट दे बिलोंग टू वेरियस कम्युनिटीज एंड रिलीजन। Do find and read the inspiring accounts of how they faced the enemy without any regard for their fatal wound and physical pain. आप इसमें लिस्ट में देखोगे इतने अलग अलग नाम है, हर कोई अलग अलग रीजन का है, कम्युनिटी का है, फिर भी इन लोग ने हमारे देश को बचाने के लिए कितना फिजिकल पेन किया है। आपको जिसका भी नाम मिल जाएगा ना उस लिस्ट में, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपको उसकी पूरी बायोडेटा पता चलेगी कि इसने क्या किया है। स्टूडेंट्स प्लीज गो ऑन दैट साइट एंड सी द नेम, इंस्पायर हो जाओ आप भी। ओके स्टूडेंट्स, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको आज मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।